नमस्कार, अब खबर कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र के सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज के भावी डॉक्टर ने झाड़ू लगाकर किया रोष प्रदर्शन। धरना स्थल पर इनसो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जसविंदर खेरा भी दलबल सहित पहुंचे। मांगे नहीं माने जाने पर 11 मई से होगा आमरण अनशन शुरू। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की सड़कों पर झाड़ू लगाते ये भावी डॉक्टर हैं जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन रखते हैं, और इनका आरोप है कि सरकार सब कुछ जानते हुए अनजान बनी हुई है और उनकी मांगों को लेकर संजीदा नहीं है। भावी डॉक्टर ने धमकी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे 11 मई से आमरण अनशन पर शुरू कर देंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार में प्रशासन की होगी। आज डॉक्टरों की मांगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलबल सहित धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने धरना स्थल पर प्रदर्शन डॉक्टरों को संबोधित किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर रंजित वंसल ने जानकारी दी कि आज धरना प्रदर्शन का सातवां दिन है। उन्हें आश्वासन किया गया था कि 7 दिन के उपरांत उनकी मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन अब तक सरकार ने कानों तक चूने तक नहीं रेंगी है और उनकी मांगे जस की तस हैं। उन्होंने कहा कि अगर आर पार की लड़ाई के तहत 11 मई से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। वहीं डॉक्टर कोमल गोयल ने भी 11 मई से आमरण भूख हड़ताल पर जाने और सारी जिम्मेदारी सरकार की होने की बात कही। कुरुक्षेत्र से चैनल डी लाइव के लिए साहिल गिरधर की स्पेशल रिपोर्ट।